वहां जाके क्या होगा, हवा में बाल, वहां जाके ऐसे हवा में बाल उड़ेंगे। टोपी ना फेंक दियो गाड़ी से बाहर, ये मैं कर सकती हूं। तभी मैं ऐसे मोबाइल लेके जा रही हूं। लला ये जा रही है, देख ले फिर से। अपनी फेवरेट प्लेस पे जा रही हूं यार, खुश तो होंगी, एक्साइटमेंट बनती है, नहीं बनती है। तो लो जी, बीवी अपनी दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जा रही है और ये दिन मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि दुखी होने की हमने रखी नहीं है और अगर अपनी खुशी बता दी तो वो सह नहीं पाएगी। बात भी सच है कि अक्सर मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि नीति के जाने के बाद मैं थोड़ा सा बदला सा लगता हूं। आपका क्या ख्याल है मंत्री? तो पिछले 4 दिन से नीति गोवा गई हुई है और इन 4 दिनों में मैंने क्या क्या किया उस सब का सबूत यहाँ पे मौजूद है। और बात आई वाज सपोज्ड टू कम टुमारो बट हियर आई एम टुडे, आई एम राइट नाउ एट द एयरपोर्ट। बस अभी बोर्डिंग कार्ड लेंगे और फटाक से 2 बजे की फ्लाइट में बैठ जाएंगे। तो आज का प्लान कैंसिल करते हुए सब साफ है लला, देख ये सेट कर दिया, किचन पूरी साफ कर दी सुंदर, और ये एरिया भी पूरा साफ है। बेड हमने बना दिया है, कंबल सेट कर दिया है, है अच्छा। छोटी छोटी चीज़ें लगा रखी हैं फ्रिज पे। तो आई हेट यू मासू, बच्चे मुझे हेट करते हैं तो लेटर लिख देते हैं। तो दिस इज़ हाउ, जब भी कोई बच्चा घर में आता है नीति मेक्स देम राइट समथिंग, और नीति को भी लिखने की आदत है तो ये बड़ा ही क्यूट है। हम यहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं तो मुझे कई बार दिखता है। मैं जो जुगनी में कहना चाह रहा हूँ, जिसे हम प्यार करते हैं उसे दिल से प्यार करें, वैसे नहीं, बातों से प्यार नहीं। एयरपोर्ट के आ गए हो? वेरी नाइस, चलो ठीक है। तो फिर मैं आती हूँ बाहर, अभी तो हम प्लेन में ही हैं, उतर रहे हैं, ठीक है ना? ओके, भाग के आओ प्लेन से। अच्छा ओके, तो सामान मिल जाएगा ना?
देता हूँ। क्या बताना है? कैसा लग रहा है वापस आके? बिल्कुल अच्छा नहीं, ये पहली बार हुआ है कि मेरा गोवा का ट्रिप पोस्टपोन होने की जगह प्रीपोन हो गया। मैं सुबह से ना जब जगह जगह जहाँ मैं भी हैरान हो गया कि मैसेज कर रही है कि यार मेरी टिकट कैंसिल करा दो और मैं अपने आप आ रही हूँ एक दिन पहले, हुआ क्या है? अब वो जाती है लाइफ में कुछ कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे फन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बट हमने कोई कॉम्पनसेट करना होता है, हमने कुछ नहीं, हमारा बस बेसिक सा। हाँ तो क्या हो गया, गोवा जाऊंगी टैन नहीं हो क्या, मैं हाउस गर्ल हूँ क्या? सुनो ना, बेसिकली ये था कि जैसे हमें कल पता चला ना, कल दोपहर को, आज क्यों भारी है तेरी? यार ये ना मेरी ओवर फटीग। अच्छा, फटीग नहीं है ये? ठीक है, मैं ना सोई नहीं हूँ कल, तो मतलब हदे पार हो गई। तो अब हमारे पास 24 घंटे से कम था, तो ये ना एक क्लॉक शुरू हो जाती है बड़ी खतरनाक वाली। उसके बाद हमने मतलब हम ये हो जाता ना कि लास्ट में कुछ तो फन कर लो, और हम 2:30 बजे घर से निकले तैयार होके, और हमें और उसके बाद हम इतनी प्यारी जगह पहुंचे हैं, उसके बाद हम अपने अच्छे कपड़ों में समुंदर में कूदियां मार रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं है कि क्या हो रहा है। तू बट यही सोच कि मैं कल आने वाली हूँ, ठीक है? ये कैसा सवाल, ये कैसी बात है? सवाल ये है कि तूने मुझे मिस किया कि नहीं किया? यार मैं नहीं करती यार तुम्हें मिस। दुनिया इंस्टाग्राम पे कपल गोल्स बोल रही है, तू मुझे मिस नहीं कर रही? यार देख सीधी सी बात होती है, वो ठीक है मिस एज इन मतलब मैं तुम्हें मिस करूं इसीलिए तो मैं ऐसे ट्रिप्स लेती हूं। समझे? मैं तुम्हें मिस करूं इसीलिए मैं ऐसे ट्रिप्स लेती हूं। तो कभी-कभी ना आपस में भी एक दूसरे से ब्रेक चाहिए होती है, एक एहसास तवज्जो की जरूरत। अबे अरम्बोल में तो ना हमारी किस्मत ही खराब है, हम जब भी अरम्बोल जाते हैं ना, ऐसे में तुम्हारे साथ होती हूँ तो कितनी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकेली घूम रही हूँ अरम्बोल में, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे साथ होती हूँ तब भी कुछ नहीं होता, बट चल मैं अकेली भी होती हूँ ना कितनी बार, कुछ नहीं होता। कितनी बार मैं मार्केट घूम रही हूँ वहाँ तफरी का, पता नहीं हम तीनों जब जाती हैं कोई ना कोई तो पंगा पड़ ही जाता है। क्या हुआ? अरे वही ऐसे एक्सक्यूज मी, ये वो, वेयर आर यू फ्रॉम, डू यू हैव दिस, ये वो, फलाना फलाना करते हैं लोग। क्या करती है तू, क्या करती है? नो भाग जाता होगा वो, मेरे को याद है एक बार तेरे हुआ था वो फोटो खिंचाने के लिए आया था एक साउथ इंडियन बंदा। हां क्या बोला तूने? हां वो तो कलंगूट बात, उसको क्या बोला था तूने? नो गिफ्ट मी लाइव यू, मैं कहीं पे भी जाती हूं तो मैं तो याद रखती हूं, याद रखना नहीं, याद रखती है, फोन तो करती नहीं है एक यार, फोन, आई एम नॉट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन गर्ल, थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती है ना वो, ठीक है फेस टू फेस पर्सन। वीडियो बना के लाना लाई तू? मैंने कुछ कुछ शॉर्ट्स नहीं है, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं याद रखूं कि मैंने शॉर्ट्स लेने हैं, बट मेरे को याद ही नहीं, मेरा एंजॉय बड़ा तगड़ा चल रहा था, मेरे को याद ही नहीं रहा आधा टाइम, तो मेरे को याद ही नहीं रहा। वैसे एक वो भी एक बहुत ही फनी इंसिडेंट, ऑब्वियसली आई विल नॉट शेयर विद यू राइट नाउ। क्यों? अरे बड़ी मजेदार बात है, आराम से बैठ के बताऊंगी, चाय पिलाएगा ना जब तब बताऊंगी। मम्मा आ गई लैला। हाँ भाई फिर बताओ क्या हुआ? बड़ा मजा आया मिस्टर राइट, तुम बन जाओ बिकॉज़ आई एम, ये अब मैं इन पे बैठूंगा तो ये फ्लफी नहीं होएंगे, एक्सो गॉसिप, फिर ये खराब हो जाएंगे मैं बैठूंगा तो बैठो। अच्छा ठीक, हमें तो ऐसी पसंद है लैला, वी लाइक नॉन फ्लफी। हाँ मजे की बात बताओ क्या थी, बताओ मजे की बात। पता क्या हुई, हम गए वही वाली जगह जहाँ डांस करने के थे, आई डोंट वांट टू नेम द प्लेस क्योंकि फिर सीन खराब हो जाता है ना, क्या हुआ उसमें ऐसा था, बट हाँ ठीक है। अच्छा फिर तो हम गए वहाँ डांस करने, ठीक है? तो अमंदन राय हम दोनों डांस कर रही हैं, ठीक है? तो हम दोनों डांस कर रही हैं तो अचानक से एक लड़की आती है और वो हमारे साथ डांस करने लग जाती है, और मैं पहले ऐसे से डांस कर रही हूँ तो वो कह रही है ये, तो मैं एक्साइटेड हो गई कि मैंने तो बड़ा अच्छा स्टेप मारा है ये बेबी। फिर उसने अगर तुझे कोई तेरे डांस पे हाँ अप्रिशिएट करे, हाँ मैं समझ जा, कोई झोल है
ठीक है, तो मुझे लगा वाओ क्या स्टेप मारा है बहन ने, मुझे लग रहा है कहां जा रही है कहानी ना। उसके बाद उसने मेरी जो फ्रेंड में ऐसा डांस कर रही थी उसको भी बोला, उसकी तरफ ऐसे देखा उसने, उसने भी कोई एक्शन किया, उसकी कह रही वाओ यार ऐसे ना, यो वाली लड़की थी, अच्छी थी, सही थी, ठीक है, तब तक तो सही थी। यो वाली का एक्शन यो, तो हम डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उसने ना मेरा हाथ पकड़ा और मुझे थोड़ा सा उस साइड ले गई, अलग ले गई। हाँ, बिकॉज माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज सिटिंग देयर एंड शी वॉजंट फीलिंग वेल, तो शी वॉज नॉट डांसिंग, सो वी वर डांसिंग क्लोज टू हर, तो मुझे मेन जगह पे ले गई। मुझे समझ आ गई कहाँ जा रही है। और मुझे लगा चल कर लेती हूँ उसके साथ एक मिनट डांस, क्या ही फर्क पड़ता है, वापस चली जाऊंगी। तो उसने मुझे ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है, और मुझे ना ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के डांस करी। मुझे लगा ये तो मेरे डांस का सपना था रमन के साथ, ये मेरा वहां कैसे पूरा हो रहा है। तो कोई कर पता चला कि शी वॉज लेस्बियन। दैट्स ओके, फिर सिटिंग ऑन मी। तो मैं वहां से, मैंने उसको बोला, जैसे मुझे फील हुई ना ये चीज की, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे फील हुई मुझे, ये जानना है, मुझे ये जानना है, लेस्बियन गे नॉर्मल है, ओके नो प्रॉब्लम, बट मुझे ये जानना है, इट इज हाथ पकड़ा से मेरा, ठीक है, उसने ठीक है ऐसे किया, ऐसे गाना गाना, हां तो उसने ना गाना शाना कुछ था इंग्लिश में, गाना 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 ना 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 कमर पे हाथ डाला, कैसे करके देखो, मैं नहीं कर रही, हां तो टच भाई, हां With her touch, I got to know that there is something wrong. Why? What is happening here? ठीक है? तूने क्या किया? मैंने उसको बोला excuse me. हाँ. अब मैं किसी को नहीं बोल सकती ना मुझे क्या feel हो रहा है, मैं ऐसे तो किसी को question नहीं कर सकती. तो मैंने उसको बोला excuse me और मैं वापस वहाँ पे आई और मैंने अपनी दोस्तों को बोला कि क्या है यार मेरा रेप, इतना life खराब हो गया, इतना life खराब हो गया मेरा. पूरा तुम यहाँ पे मेरा अकेला छोड़ दिया ये है, क्या हो गया क्या हो गया. मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट हमें तो वैसे भी बात का बतंगड़ बनाना होता है, तो हम बाहर आ गई, हमारा खाना आ गया, मे बी शी वाज इन पार्टी मूड एंड लुकिंग फॉर अ पार्टनर, मुझे इट्स ओके, हम तो जस्ट नॉर्मल, बट इट्स जस्ट सो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. तुम्हें ये बोलना चाहिए कि आई एम स्ट्रेट, ये नहीं बोलना चाहिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अब ये दिक्कत है, मैं ये बोलूंगी एक मिनट, उसको ये बोला एक्सक्यूज मी, वो तो समझ गई होगी, आई अंडरस्टैंड कि लोग समझ जाते हैं, बट ये तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि आई एम नॉट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हें बोलना चाहिए आई एम स्ट्रेट. अच्छा, ये गड़बड़ है, ये मैं उसको बोल रहा हूं आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अब चले यार गंदी बातें मत करो मुझसे.